इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। मार्वल और डीसी स्टूडियो ने दर्शकों को सुपर हीरोज की काल्पनिक लेकिन रोमांचक दुनिया के परिचित किया है। आप भी किसी न किसी सुपर हीरो को पसंद करते होंगे और हो सकता है कि आप सबसे ताकतवर सुपर हीरो को भी पसंद करते हो, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आपके पसंदीदा सुपर हीरोज के सबसे ताकतवर अवतार भी मौजूद हैं। दोस्तों, आज हम आपको 5 ऐसे पसंदीदा सुपर हीरोज के सबसे ताकतवर अवतार के बारे में बताएंगे। पहला, किंग थॉर। सुपर हीरो थॉर सामान्य अवस्था में भी सबसे ताकतवर है। फिर थॉर को अपने पिता ओडिन की मृत्यु के बाद उनकी ताकत ओडिन फोर्स भी मिल जाती है, तो थॉर की ताकत हजारों गुना बढ़ जाती है। किंग थॉर के रूप में यह सुपर हीरो अमर और पराजित है। बैटमैन, ज्ञान का देवता। बैटमैन को अन्य सुपर हीरो के मुकाबले ताकत में कमजोर माना जाता है, लेकिन जब बैटमैन को मोबियस कुर्सी पर अपना कब्जा जमा लिया तो साधारण बैटमैन को हर चीज के बारे में ज्ञात हो गया। बैटमैन ने इस कुर्सी से सबसे पहले सवाल पूछा कि आखिर जोकर की असली पहचान क्या है। तब कुर्सी ने जवाब दिया कि असल में एक नहीं बल्कि 3 जोकर है। सुपरमैन 1 मिलियन। सुपरमैन को सौर ऊर्जा की ताकत मिलती है। कॉमिक्स में जब सुपरमैन सूर्य की असीम ऊर्जा को अपने अंदर सोख लेता है तो वो सबसे ताकतवर सुपर हीरो बन जाता है, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ओल्ड मैन फिनिक्स, वुल्वरिन। कॉमिक्स में एक स्टोरी में वुल्वरिन को फिनिक्स फोर्स मिल जाती है। इसके बाद ओल्ड मैन फिनिक्स के रूप में उसे कॉस्मिक स्तर की ताकत मिल जाती है। इस ताकत के साथ वुल्वरिन किसी को भी हरा सकते हैं। टोनी स्टार्क, श्रेष्ठ आयरन मैन। टोनी स्टार्क या आयरन मैन अपने सबसे ताकतवर अवतार में सुपर हीरो नहीं बल्कि सुपर विलन बन जाता है। ये सुनकर आपको जरूर हैरानी होगी, और ऐसा वे तकनीक की मदद से कर पाते हैं।